दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज बोर्ड की ओर से दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए एक नोटिस निकल कर आ रहा है, जिसमें बोर्ड ने कक्षा दसवीं और बारहवीं के नतीजे जारी करने की समय और तारीख का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप यूपी, राजस्थान, झारखंड या गुजरात बोर्ड के कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्र हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आपका रिजल्ट कब जारी होने वाला है, उससे पहले हम कक्षा दसवीं और बारहवीं के सभी छात्रों को एक गुड न्यूज दे दें कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाई थी और इसीलिए कई बच्चों के एग्जाम भी सही नहीं गए हैं। और इसी बीच खबर ये है कि बोर्ड की तरफ से इस बार कोशिश की जाएगी कि ज्यादातर बच्चों को पास कर दिया जाए और अगर किसी छात्र की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसे दूसरे सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड इस बार कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर बच्चे पास हो सके। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के छात्रों को बता दें कि आपकी सभी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब यूपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है और मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आपका रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। और राजस्थान बोर्ड के भी दसवीं और बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट अब आने वाला है। राजस्थान बोर्ड पहले कक्षा बारहवीं उसके बाद कक्षा दसवीं के छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा। अब कुछ ही दिनों में बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के बाद आपकी रिजल्ट की डेट निकल कर आ जाएगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी नई और बड़ी खबर निकल कर आए तो हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले।